प्रिया सुहानी को टक्कर दे रही है आजकल। जी बिल्कुल, मुझे आता है तो मैं क्यों ना दूं भला टक्कर। अगर एक स्टेट पर रजनी को और प्रिया सुहानी को अगर हम उतारते हैं जी, तो आखिरकार किस प्रकार का माहौल वहाँ क्रिएट हो जाए। तो भाई जिसको डांस आता है वो एक दूसरे को टक्कर नहीं देगा तो और क्या होगा, ये दुनिया टक्कर पे ही तो टिकी है। क्या चार्ज है आपका? देखिए चार्ज मुझसे मत पूछिए, मेरी पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा है उनसे पूछिए। ये राजा कहियो माहौर खा के मर जाए और पिया ला छोड़ब तक कुछ कर जाए। शायद इस गाने को आप लोग खूब सुने होंगे, एक लड़की जिसका नाम था प्रिया सुहानी, इस गाने पे लगातार इतना ना कमर हिला के वायरल हो गई, जिसको लगातार टक्कर देने वाली आज हमारे साथ रजनी खड़ी है, जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये बोल भी रही है और करके दिखा रही है डांस उस तरीके से। क्या हाल है आपका? बढ़िया, आप अपना? सुने हैं कि आप प्रिया सुहानी को टक्कर दे रही है आजकल। जी बिल्कुल, मुझे आता है तो मैं क्यों ना दूं भला टक्कर। कैसे टक्कर दे रही है? कैसे दिया जाता है, जैसे भी दे रहे हैं डांस करके दे रहे हैं भाई। हाँ। तो हम दे रहे हैं, उन्हें भी मुंह से भी डांस आता है, मुझे भी डांस आता है, तो भाई टक्कर तो टक्कर होता है। किसी कौन सा डांस है जिसपे जो है आप टक्कर देने पे मतलब उतावली हो गई या उतर चुकी है आप? देखिए ये मैं नहीं, ये आप लोग डिसीजन कर रहे थे और बस पब्लिक का जिस पे मांग था मैंने उसी पर बनाया। बस आगे मेरी जो फैमिली है, मेरी पब्लिक है, आप लोग हैं, प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, वैसे देते रहिए। तो क्या कभी ऐसा हुआ नहीं कि मतलब आप जो जिस मतलब इस शब्द को जो मीडिया में बार बार बोल रही है तो उनके टीम से कोई फोन आया हो और बोला कि ऐसा काय कर रही हो? नहीं नहीं, एक भी बार नहीं बोला था लोग। और नहीं, ऑफर आता है उन लोग की तरफ से कि आप अच्छा डांस करती हैं, आप मेरी टीम में काम कीजिए, लेकिन मैं अभी नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पब्लिक मुझे और ज्यादा अच्छे से पहचाने, थोड़ा मेरा भी फॉलोअर्स हो जाए, उसके बाद से मैं जाऊंगी। बस देख लीजिए, अब लगातार हम चाहेंगे कि उस डांस को बढ़कर दिखा दीजिए ताकि हमारे पब्लिक जो है वो देख ले कि कैसे आप टक्कर कर दे रही है। बड़ा लोग जो है कमेंट वमेंट कर रहा है कि सब झूठ वूट बोल रही है, कुछ डांस वांस करने के लिए उस तरह आता नहीं होगा, इतना वायरल हो गया आज, समझिए कि खेसारी के साथ उसका ऑफर आ रहा है। देखिए कि नहीं देखिए? देखें। तो इस तरीके से कुछ पब्लिक है जो समझिए कि इस बात को नहीं मान पा रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि उसी गाने पर आप डांस कीजिए जिस गाने पर प्रिया सुहानी वायरल हुई थी। चलिए प्ले कीजिए उस गाने को, चलिए देखते हैं और शायद आप लोग भी देखे, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा और पास में आते रहिए, जब डांस करेगी तब आप बैक होइएगा। चलिए प्ले। अब देखिए जिस प्रकार से अब आप लोग तो कमेंट करते हैं भैया, कहे कि आप लोग तो सबको वायरल करते हैं, क्या लगता है इस प्रकार से मतलब टक्कर दे करके या इस तरीके से डांस, कहीं आप डांस सीखती हैं या कुछ सब अपने आप का कॉन्फिडेंस है आपका? मैं अपने आप से करती हूँ, अपने आप को आईने में देखती हूँ फिर करती हूँ। अच्छा, मतलब आप अपने आप को पहले आईने में देखती हैं फिर डांस करती हैं? जी। ऐसा तो झूठ बोल रही है फिर भी आप। देखिए डांस सीखी होंगी आप जा करके। देखिए अब हम किसी को दर्शाना नहीं चाहते, लेकिन एक रियल बात बताऊं तो फिर मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूं, इसीलिए मैं डांस स्कूल नहीं जा पाती हूं, तो फिर मैं खुद ही के घर में मैं गाना बजा के मम्मी के फोन से उस बस में डांस करती हूं। आखिरकार आपकी रियल लाइफ में ऐसा क्या सोचता, क्या मतलब पहले से ही सोचता कि मैं हीरो क्या बोलते हैं मैं एक्ट्रेस बनूंगी या फिल्म में काम करूंगी या कुछ और सोचता? मैं बचपन से ही मुझे डांस करने में, गाना गाने में मुझे रुचि है। हाँ। जो कि मैं करती हूँ। हाँ। ये नहीं ना कि किसी दबाव पे आकर के या किसी नहीं। गाने को अच्छा लगने की वजह से जो आप डांस कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे तो मुझे सारे ही गाने पसंद होते हैं, एक मेरा कोई फेवरेट नहीं है, सारे ही गाने पसंद है। हाँ। लेकिन एक होता है ना कि हाँ तुम्हारी रुचि क्या है, तुम्हारी गोल क्या है, तो यही मेरा गोल है। मुझे बचपन से डांस करने का बहुत शौक था, रील्स बनाने का, जो कि अभी एक साल पहले मेरा पूरा हुआ। हम सुने कि आप एक इंटरव्यू बोले कि आपको देख करके कहीं ना कहीं वो मतलब आपसे कम जो है डांस वो करती है प्रिया सुहानी, यानी कि उसको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा था और आपके अंदर जो टैलेंट भरा हुआ है आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये तो मैं नहीं जानती, ये मैं नहीं जानती, ये आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन क्या करता है, कौन सीखता है कौन नहीं, ये आप लोग को डिसाइड करना है, खुद से तो हम अपना बड़ाई नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो मेरे पास, हम चाहेंगे कुछ टक्कर तो दे दीजिएगा जी, मानिए कि आप डांस करके दिखा दिए। हाँ हाँ, लाइव चला लीजिए, आप लाइव डांस
करवा लीजिए। हाँ। जी बिल्कुल। अगर वो बोले कि नहीं आप टक्कर नहीं दे रहे हैं, फिर कैसे होगा? तब मेरे को किसी के बोलने से या ना बोलने से ऐसा थोड़ी, बस पब्लिक ने बोला कि हाँ आप टक्कर दे रही हैं। हाँ। मतलब मुझे भी डांस आता है, मैं भी एक रील्स क्रिएटर हूँ और वो भी एक रील्स क्रिएटर है, उसे भी डांस आता है। तो भाई जिसको डांस आता है वो एक दूसरे को टक्कर नहीं देगा तो और क्या होगा, दुनिया टक्कर पे ही तो टिकी है। मतलब अगर एक स्टेज पर रजनी को और प्रिया सुहानी को अगर हम उतारते हैं जी जी, तो आखिरकार किस प्रकार का माहौल वहाँ क्रिएट हो जाएगा? वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ। जब मैं और वो एक साथ डांस करेंगे। हाँ। इंटरेस्टिंग होगा, वो देखने वाला भी वहाँ पे पब्लिक भी आएगी मुझे। हाँ। लगता है। हाँ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग हमें और उसको एक मौका दीजिए। हाँ। कि हम लोग अपना अपना टैलेंट आप लोग के आगे दिखाए। प्रिया सुहाने से रजनी जीत पाएगी वहाँ पे? अब ये हम नहीं जानते, ये तो मेरी पब्लिक ही डिसाइड करेगी। हाँ, जी सब पब्लिक को छोड़ रहे हैं? जी जी, मैं सारा पब्लिक पे छोड़ रही हूँ। आपके अंदर कुछ तो होगा ना जी, कि आप मतलब सोच सके कि हाँ उसमें जीत जाऊंगी? चाहती हूँ ये तो नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। हाँ। कि मैं कभी भी कहीं भी अपना अच्छा ही दूंगी अपने अंदर से। हाँ। जो भी हो अच्छा कंटेंट दूंगी, साफ सुथरा काम दूंगी। हाँ। लेकिन आगे वाले के मैं नहीं जानती को साफ सुथरा देगा या कैसे भी, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अपने अपने तरफ से मैं जो भी दूँ पब्लिक को अच्छा दूँ, कि पब्लिक को पसंद आए, पब्लिक मुझे प्यार सपोर्ट। क्या ऐसा भी हो सकता है कि रजनी वायरल होने के बाद जो छोटे छोटे कपड़े पहनने लगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा संस्कार नहीं मिला है कि हाँ। मैं छोटे छोटे कपड़े पहनूं। और इसमें पेरेंट्स की भी गलती होती है और उनके बच्चों की भी होती है, क्योंकि यदि पेरेंट्स डांटेंगे बोलेंगे कि नहीं तुम छोटे छोटे कपड़े मत पहनो, तो वो तो नहीं पहनेगी। और यदि पब्लिक कुछ मतलब पब्लिक बोल रहे हैं, उनके पेरेंट्स यदि कुछ नहीं बोलेंगे तब तो वो पहनेगी ही, तो पब्लिक के ऊपर है और जो बनाता है छोटे छोटे कपड़े में उसके ऊपर है। तो क्या कहिएगा उन लोगों को जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपको एक बार दोनों आदमी को एक साथ उतारा जाए? जी बिल्कुल, एक स्टेज पे एक सामने। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो क्या चार्ज है आपका? देखिए चार्ज मुझसे मत पूछिए, मेरी पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा है उनसे पूछिए, और रॉयल बाउंसर ग्रुप के जो हेड है गोपालगंज के, आप उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि वही मेरा मतलब जो भी होता है वो संभालते हैं। फिर भी कुछ तो मालूम होगा ना उसके बारे में, कुछ तो नॉलेज होगा? आप मतलब केवल काम ही करती है? मुझे नहीं, मुझे इन सब के बारे में, मैं पेमेंट नहीं देखती, मैं बस देखिए मुझे लगता है ना कि मैं पब्लिक, मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं भी पैसे कुछ कमाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हाँ किसी का नुकसान करके या किसी के ऊपर गलत प्रभाव करके मैं पैसे कमाऊं, मैं ये नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा की इज्जत को मतलब मेरे अपने नजर में रखते हुए कोई भी काम करना है और अच्छे से करना है। प्रिया सुहानी के साथ टक्कर देने वाली इस लड़की को शायद आप लोग एक बार स्टेज पे उतारिए और देखा जाए कि आखिरकार किसमें कितना है दम, वो तो उसमें मालूम चलेगा जब आप लोग आमने सामने रहिएगा तब। चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं एक बात और पूछूंगा आपसे कि आखिरकार प्रिया सुहानी के बारे में कुछ मतलब अभी तक कुछ बोली नहीं ना है आप? मतलब कुछ मतलब ऐसे करके कि आपको मैं टक्कर दूंगी या ऐसे कुछ करके? नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन जो पब्लिक बोलती है कि हाँ आप भी अच्छा डांस करती हो, वो भी करती है, तो आप लोग टक्कर एक दूसरे को दे रहे हो। हाँ। तो बस हाँ भाई मैं भी उसको टक्कर दे रही हूँ। मतलब पब्लिक के बातों को लेकर के, उस रिएक्शन को लेकर के आप मतलब इस बात को बोल रही हैं? जी जी, और ऐसी कोई बात नहीं कि हम दोनों में लड़ाई चलती है, नहीं, हम लोग वीडियो कॉल पे भी बात कर चुके हैं और हम लोग फ्रेंड है। चलिए ये फ्रेंड है और सब समझिए कि कलाकारी है और कलाकारी में जो है ऐसा होता रहता है, बट ये अपने कभी मतलब आवाज से नहीं बोली है कि हम उनको पूरा तरीके से हरा दूंगी या ऐसा कुछ कर दूंगी, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, बस पब्लिक के ऊपर मैंने जो भी छोड़ा है। हाँ। सारा पब्लिक देखेगी। तो हम चाहेंगे कि एक और डांस आप हमारे पब्लिक को दिखा दीजिए, ताकि वो लोग जो है आपकी डांस को देख करके एक बार और शेयर लगा दे इस वीडियो को। जी जी बिल्कुल मैम, प्ले कीजिए। तो देखिए शायद अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी अगर लड़की के अंदर टैलेंट है, तो भैया इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसको एक बार मौका दीजिए उस लड़की के सामने उतारने का, ताकि हम लोग भी इस चीज को देख लें कि हकीकत में ये लड़की जो है टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। जय हिंद।